अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडब्ल्यू के स्टफ। और आज हम देखेंगे तीन टाइप के ट्रांजिशंस जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, हर प्रोजेक्ट्स में आपके काम आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो यहाँ पर आज मैं आपको तीन टाइप के ट्रांजिशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले है मास्किंग, दूसरा है स्पीड रैंपिंग, तीसरा है मैच कट। तो ये सारे ट्रांजिशन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो आइए मैं स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियोस इंपोर्ट की हुई हैं। तो ये वीडियो मैंने कहाँ से डाउनलोड किए हैं? एज यूजुअल मिक्सकिट और पिक्साबेस से मैंने ये वीडियोज़ डाउनलोड किए हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल कर दी दूँगा, आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मास्किंग ट्रांजिशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो वीडियोस रखी हुई हैं और यहाँ पर ये वाली वीडियोस को मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर इस जगह से मास्किंग करना शुरू करूँ। तो किस तरीके से करूँगा मैं? सबसे पहले यहाँ पर इस वाले पैनल पर, सॉरी यहाँ पर ये की फ्रेम लगा हुआ, इसको मैं हटा दूँगा और यहाँ पर इस जगह से मैं ओपेसिटी के पैनल पर यहाँ पर पैन टूल दिया हुआ है यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं मास्क क्रिएट करना शुरू करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस जगह पर इस तरीके से मैं मास्क कर दूँगा। ठीक है, ये ब्लैक इसलिए आ रहा है, ये ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पीछे भी कोई भी वीडियो नहीं है, तो इस वजह से ब्लैक आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर इन्वर्टेड पर क्लिक करूँगा और ये वापस आ गया। ठीक है, अब मैं जो भी इसके नीचे वीडियो रखूँगा तो ये इस जगह पर जहाँ से मैं मास्क करना शुरू कर रहा हूँ ये वहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ। की फ्रेम लगाने के बाद जिस तरीके से यह आगे जाता जाएगा मैं यहाँ पर दोबारा मास्क पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस पर एडिट करने से शुरू करूँगा। आगे तो मैं सर इसकी जो स्केल है वो थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर व्यू मिल जाए। मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि अपने बोर ना हो। तो यहाँ पर मैंने मास्किंग जो है वो कंप्लीट कर दी है और यहाँ पर मेरे पास, मैं अगर वीडियो शुरू से लगाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास ये ब्लैक स्पेस जो है यहाँ पर खाली दिख रही, तो मैं इसको किस तरीके से फिल करूँगा? यहाँ पर मैं दोबारा आऊँगा वीडियो के स्टार्ट पर और यहाँ पर एक दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये की फ्रेम पर यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊँगा और दोबारा से यहाँ पर मैं मास्क पर क्लिक करके इसे मैं आगे ले जाऊँगा और ये फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम करे, तो वो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। तो यहाँ तक तो मैंने डन कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसके साइड पर जो मास्किंग जो मैंने की है उस पर मुझे वीडियो अप्लाई करनी है। तो किस तरीके से करूँगा? जहाँ से मैंने वीडियो अप्लाई मास्किंग अप्लाई की है यहाँ से मैं इस वाली वीडियो को रख दूँगा लाकर यहाँ इस जगह से। तो यहाँ पर मैंने वीडियो रख दिया लाकर और इस जगह से मास्किंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रीन पर फिट कर देता हूँ और यहाँ पर आप ये ट्रांजिशन हम देख सकते हो। इसको आप थोड़ा टाइम देकर इस पर आप थोड़ा सा और वर्क कर सकते हो, उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। सो अब आते हैं दूसरे ट्रांजिशन पर, वो है स्पीड रैंपिंग। ओके, सो यहाँ पर मैंने अगेन दो क्लिप्स रखी हुई और ये वीडियोस जो हैं मैंने कहीं से नहीं उठाई, ये वीडियो मेरी अपनी है। तो यहाँ पर मेरे पास दो क्लिप्स हैं और सबसे पहले मैं इस वाले क्लिप्स पर काम करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ साइड पर और यहाँ पर इस वाली वीडियो पर मैं आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करने के बाद शो क्लिप की फ्रेम्स और टाइम रीमैपिंग पर क्लिक करूँगा यहाँ पर स्पीड। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा
यहाँ पर मैं कंट्रोल दबा कर इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से तो नहीं, इस जगह से मैं इसे थोड़ा करीब करूँगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले लाइन पर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्ट्रेच करूँगा, ताकि ये इसकी जो स्पीड बढ़ रही है, आपको यहाँ पर स्पीड दिख रही होगी, तो ये मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, 300 पर मैंने कर दिया और यहाँ पर ये तेज़ हो चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरी वाली क्लिप पर आऊँगा जो मैंने अभी साइड की थी, इसे मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और इस वाली वीडियो को इस जगह से यहाँ से इस पर भी राइट क्लिक करूँगा, शो क्लिप की फ्रेम्स, टाइम रिपिक और स्पीड। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल दबा कर दोबारा मैं यहाँ पर की फ्रेम लगाऊँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा। यहाँ पर एक स्मूथ ट्रांजिशंस आपके पास निकल कर आ चुके हैं, तो आप नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में स्पीड रीमैपिंग पर थोड़ी सी परेशानी हो यूज़ करने में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सिंपली जाए जहाँ से आपको स्पीड टेस्ट करनी है वहाँ पर आप कट लगाएं और वहाँ से आप स्पीड ड्यूरेशन में जाकर वहाँ से आप अपनी स्पीड को तेज़ कर दें या स्लो कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। तो इस तरीके से आप अपने ट्रांजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर मैंने दो क्लिप्स इंपोर्ट की हुई हैं और इस वीडियो में सबसे पहले तो ये बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है और इसने स्लाइड किया और इसकी ज़मीन की जो मिट्टी वो डायरेक्ट लेंस पर आई। ठीक है, और अगले क्लिप में ये बंदा चलता हुआ जा रहा है। नॉर्मली तो ये भी ट्रांजिशन बन सकती है, लेकिन ये मज़ेदार नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से बनाऊँगा, पहले स्पीड रीमैपिंग से खेलूँगा, दैन फिर मैं आपको इसको ट्रांजिशन में तब्दील करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो इसको साइड कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से राइट क्लिक, शो क्लिप की फ्रेम्स, टाइम रीमैपिंग, स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस जगह पर सबसे पहले तो इस पहले हिस्से को स्लो करना है एटलीस्ट यहाँ तक, और मैं इससे ये इस वाली लाइन को पकड़ूंगा और इसे ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा, सॉरी नीचे की तरफ लेकर आऊँगा। बंदा स्लो आया एंड देन यहाँ पर दोबारा की फ्रेम लगेगा, बल्कि यहाँ से लगा दे रहा हूँ मैं, इस जगह को पकड़ूंगा और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर इस जगह से इस बंदे ने रनिंग स्टार्ट की एंड देन ये फास्ट हुआ, यहाँ पर आकर दोबारा मैं की फ्रेम लगाऊंगा और इसे मैं यहाँ पर आकर स्लो कर दूंगा थोड़ा सा और आई थिंक स्लो कर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर एक की फ्रेम और लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ऊपर की तरफ लेके चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्रिएट कर दी है, ठीक है, टाइम मैपिंग के थ्रू। और अब मैं इस वाले क्लिप को लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लाकर अटैच कर देता हूँ। अब आप सिर्फ ट्रांजिशन देखें, तो इस तरीके से आप नॉर्मली तरीके से भी आप ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो और अपने काम को जो है इफेक्टिव बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।